नूरपुर की अघार पंचायत प्रधान ममता देवी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पंचायत को स्मार्ट बनाने और पंचायत के लोगों की हर समस्या को दूर करने के भरसक प्रयास किए जाएंगे। इस बार चुनावों में ममता देवी ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 594 मतों से हराया है। ममता देवी के पति कमल सिंह इसी पंचायत में 2011 से 2016 तक प्रधान रह चुके हैं। नूरपुर की अधार पंचायत की नवनियुक्त प्रधान ममता देवी ने सभी लोगों का उन्हें विजयी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे पंचायत में विकास कार्यों को गति देगी। ममता देवी ने कहा कि जब वे वोट मांगने जाया करती थी तो उन्होंने देखा कि कई जगह पर रास्तों की व्यवस्था ठीक नहीं है, कई जगहों पर रास्तों में लाइट नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को जनता को प्रदान करेगी। ममता ने कहा कि आजकल युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है, वे युवाओं के लिए जिम खोलेंगी और उन्हें खेलों की तरफ अधिक से अधिक अग्रसर करेगी। मैं ममता देवी अघार पंचायत की प्रधान पंचायत निवासियों का धन्यवाद करती हूं और पंचायत की सदा वारी रहूंगी। चुनाव के दौरान पंचायत में देखा कि कहीं गली की समस्या, कहीं पानी की समस्या, तो कहीं लाइट की समस्या, तो कहीं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले वालों को घर नसीब नहीं है। मैं इन सारी समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करवाने की भरपूर कोशिश करूंगी। मैं अपनी पंचायत को स्मार्ट पंचायत बनाने की भरसक कोशिश करूंगी। आजकल युवा पीढ़ी नशे में डूबी हुई है, मेरा प्रयास रहेगा कि युवा पीढ़ी के लिए जिम व खेल का मैदान उपलब्ध करवाऊं, ताकि युवा पीढ़ी का ध्यान नशे की तरफ ना होकर खेल में रहे। रोड स्कूल जो कि 2017 में 8वीं से अपग्रेड होकर 10वीं का कर दिया था, जब अब मैं प्रधान होने के नाते स्कूल में बैठने के लिए कमरों का निर्माण करवाने की कोशिश करूंगी। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।